टेस्ट टीम में खेलने को लेकर अब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान। कहा कुछ ऐसा, नमस्कार दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे T20 मुकाबले को हार्दिक पांड्या की बदौलत टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हरफन मौला खिलाड़ी को टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। वनडे सीरीज से लेकर T20 मैचों में तहलका मचाने वाले पांड्या लगातार छाए हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें फैंस उन्हें टेस्ट सीरीज में भी देखना चाहते हैं। इन दिनों उनका बल्ला जमकर रन उगल रहा है। टेस्ट श्रृंखला में पांड्या को जगह नहीं दी गई, लेकिन देखा जाए तो आखिरी वनडे मैच और T20 का खिताब भारत को जिताने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में यदि टीम मैनेजमेंट चाहे कि उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम के साथ रुकना चाहिए तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात वो अपने बयान में भी स्पष्ट कर चुके हैं। जिस तरह से ऑलराउंडर खिलाड़ी इन दिनों मैच को फिनिश कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन में उन्होंने सबसे ज्यादा इसी पर काम किया। पीठ की सर्जरी के बाद टीम में वापसी करके लौटे हार्दिक पांड्या ने अभी तक सही मायने में गेंदबाजी शुरू नहीं की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवर के मैचों में उनके बल्ले से जमकर रन निकले हैं। दूसरा T20 मैच खत्म होने के बाद जब हार्दिक पांड्या से ये सवाल किया गया कि क्या वो 17 दिसंबर से शुरू होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम के साथ रुकना पसंद करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ये अलग तरीके का मुकाबला है, मुझे लगता है कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे रुकने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में ये फैसला मैनेजमेंट पर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह सकता हूँ। आगे बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के वक्त में उन्होंने जरूरत के समय मैच फिनिश करने की महारत हासिल करने पर सबसे ज्यादा काम किया, जिसका अंदाजा उनके सिडनी में खेले गए दूसरे T20 मैच को देखकर लगाया जा सकता है। 22 गेंद में उन्होंने नाबाद 42 रन की तूफानी पारी खेली। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।